ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं वैशाली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला थाना इलाके में बीती रात कुछ बदमाश एक परिवार को गन पॉइंट पर रखकर उनके पशुओं को गाड़ी में लादकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने गुरुवार को पुलिस को शिकायती पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के गजरौला थाना इलाके के भीकनपुर शुमाली गांव निवासी राम सिंह के यहाँ बीती रात करीब 1 बजे कुछ अज्ञात बदमाश राम सिंह के परिवार को गन पॉइंट पर रखकर उनकी 4 भैंसों को पिकअप में लादकर भाग निकले। जब राम सिंह ने बदमाशों का पीछा करना चाहा तो बदमाशों ने राम सिंह पर फायर झोंक दिया। परिवार का आरोप है कि उन्होंने 112 पर पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाई। गुरुवार को पीड़ित परिवार ने गजरौला थाना पहुंचकर पुलिस को शिकायती पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि गजरौला में लूट और चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए गजरौला से प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। सर, हमारी हमसे बड़ी एक सिस्टर हैं, उनके तमंचा लगा लिया घर पे। तो जैसे भी वो घर रस्ते देकर निकली, चोर निकले, जैसे ही हल्ला मचाया तो मैं उठा घर कमरे में से उठा तो मैं कहा कि सिस्टर के क्या हुआ। तो वो बोली ना भैया चोरी हो गई। मैं पीछे भागा, उनके मेरे ऊपर फायर किया, उन्होंने छल्ले मारे। फिर उसके बाद मेरे ब्रदर सोया हुआ था पलटर, उसको उठाया, फिर उसके ऊपर फायरिंग करी, फिर उसके बाद शैल मारा, चल दिए। वो कितने आदमी थे? वो 4-5 आदमी थे सर। फिर मैंने बड़े भैया चचेरे मेरे भागे, ये पल्सर गाड़ी के पीछे भागे। तो इसकी तहरीर तुमने थाने में दी है? जी देंगे। आप वो जो चोर थे उनके बारे में कुछ पता है? अज्ञात में थे वो, नकाब पहने हुए, काले काले कपड़े पहने हुए। कहाँ की घटना है ये? बीकानेर पुलिस वाली सर।